फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल मेरी रसोई में। आज मैं बनाने जा रही हूँ नान खटाई। बिल्कुल बाजार जैसे हम घर पे नान खटाई बनाएंगे, वो भी कुकर में, बिना बेकिंग सोडा, बिना बेकिंग पाउडर एंड बिना ओवन के। आप देख सकते हैं हमारी नान खटाई का कलर बिल्कुल बढ़िया आया है, इतना बढ़िया और टेस्टी भी ये हमारी नान खटाई है। चलो शुरू करते हैं नान खटाई। हमें नान खटाई बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक कप सूजी ली है, एक कप शुगर ली है पिसी हुई है, एक कप बेसन है, एक कप मैदा है, 1/3 घी है और चुटकी नमक है। हमें घी यहाँ पे जमा हुआ ही लेना रहेगा, आप देख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे बड़ी कढ़ाई, बड़ा बर्तन ले लिया है, आप देख सकते हैं मैंने जो घी जमाया है 1/3, वो अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी। आप बटर यूज करना चाहते हैं तो आप बटर भी यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे घी यूज किया है। मैंने सभी सूजी, बेसन, मैदा सभी इसी कप से ही माप किया है। आप भी कोई भी घर की कोई भी कटोरी यूज कर सकते हैं इसे बनाने के लिए। आप सेट कर लीजिए कोई भी कटोरी। अब मैं इसमें चुटकी नमक ऐड कर देती हूँ। ज्यादा नहीं डालना है, 1 पिंच ही डालना है हमें नमक इसमें। अब मैं शुगर भी ऐड कर देती हूँ। अब मैं इसे अच्छी तरह से अपने हाथों से एक ही डायरेक्शन में हमें इसे फेंटना रहेगा। अब देखिए मैं कैसे इसे फेंटती हूँ। जिसे हमारा ये शुगर एंड घी एकदम फ्लफी ना हो जाए तब तक हमें इसे फेंटना रहेगा, अपने हाथों से ही इसे फेंटना रहेगा। आप देख सकते हैं ऐसे फेंटने से हमारी कुकीज भी बढ़िया बनेगी, फूली हुई बनेगी एंड खस्ता भी बनेगी। आप देखिए हमारे घी में और शुगर में कितना फ्लफी हो चुके हैं ये दोनों। आपको भी ऐसा ही फेंटना रहेगा। अब मैं इसमें, मैंने यहाँ पे ये 4 से 5 मिनट तक इसे फेंटा है तो ये हमारा एकदम फ्लफी हो चुका है। अब मैं इसमें सूजी ऐड कर दूंगी। मैदा, बेसन भी ऐड कर देती हूँ। और बढ़िया टेस्ट आए इसलिए मैंने यहाँ पे 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर यूज किया है।
अब मैं इस सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। हमें बिल्कुल स्लो हाथों से इसमें हमें जो हम चपाती या बेलते हैं उसी तरह हमें इस आटा गूंथते हैं चपाती या रोटी का, हमें इस तरह से इसे नहीं गूंथना है, हमें इसे बिल्कुल वजन नहीं देना है, हल्के हाथों से इसे हमें गूंथना रहेगा आटे को। अब मैंने अच्छी तरह से सारी चीजों को मिक्स कर लिया है, आप देखिए। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके मिल्क ऐड करूंगी। मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 से 4 चम्मच ही मिल्क ऐड किया है। हमारा ये डो रेडी हो चुका है, तो मैं इसे अब डीप फ्रीज में रख दूंगी 1.5 घंटे के लिए। जो जहाँ पे हमें बर्फ जमाता है, जहाँ आइस जमती है, वहीं पे हमें इसे रखना है 1.5 घंटे के लिए। मैं इसे वहीं पे रख देती हूँ। हमें नान खटाई बेक करने के लिए हमने यहाँ पे कुकर लिया है, जो इसकी हमने विसल भी निकाल दी है और उसकी जो रिंग होती है वो भी हमने निकाल दी है। और हमने इसमें नमक डाला है 1 कटोरी, आप देख सकते हैं। अब मैं ये कुकर को प्रीहीट करने के लिए रख देती हूँ। हमें 10 मिनट तक इसे प्रीहीट करना रहेगा और हमें उसके बीच में हमें एक रिंग रखनी है, ऐसे आपको भी रखनी रहेगी। उसके बाद आपको प्रीहीट करना रहेगा कुकर को। अब मैं कुकर को प्रीहीट करने के लिए रख देती हूँ 10 मिनट के लिए। अब हमने जो नान खटाई के लिए जो डो तैयार किया था, हमने डीप फ्रिज में रखा था, जहाँ पे हमें फ्रिज जमा जब बर्फ जमाते हैं, हमने वहाँ पे रखा था। हमने वहाँ पे 30 मिनट के लिए रखा था। हमारे 30 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं हमारा ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है ये डो हमारा। आपको भी ऐसा ही डो रेडी करना रहेगा, जिससे ये हमारे हाथों में ना चिपके और हमारी कुकीज और नान खटाई अच्छी से बेक हो और खस्ता हो। आपको मैं दिखाती हूँ। अब देखिए, आपको भी ऐसा ही डो रेडी तैयार करना रहेगा। अब मैं इसकी नान खटाई रेडी कर लेती हूँ, आपको दिखाती हूँ कैसे करना है। आपको इतना बड़ा बोल लेना रहेगा, उसके बाद हमें इसे गोल करके ऐसे बहुत ज्यादा हमें इस पे प्रेस नहीं देना है, थोड़ा सा ही प्रेस करके ऐसे चपटा करना रहेगा। आप देखिए इसकी मोटाई कितनी है, हमें इतना ही रखना है। अब मैं इसके डेकोरेशन के लिए हमने यहाँ पे पिस्ता लिए है बारीक काटे हुए, और उस पे मैं लगा दूंगी।
इस तरह से आपको भी लगाना रहेगा। इसी तरह मैं साड़ी नन खटाई को रेडी कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पे केक टीम में जो हमें बेक करना हो केक टीम में उसमें मैंने रख दी है। मैंने ऐसे बीच में जगह गैप रख के ही इसमें रखी है। आपको भी ऐसा ही करना रहेगा। और मैं ऊपर से थोड़ा सा दूध लगा देती हूँ। इस तरह से ज्यादा दूध नहीं लगाना है, थोड़ा सा ही लगाना है जिससे हमारी कुकीज बढ़िया हो। आपको थोड़ा थोड़ा ही ये दूध लगाना है। अब मेरा जो कुकर को प्रीहीट करने के लिए रखा था मैं उसमें ये केक टिन को रख देती हूँ। हमें इसमें सावधानी पूर्वक हमें केक टिन को रखना रहेगा। ये बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है। हमें इसे 15 मिनट के लिए इसे बेक करना रहेगा। स्लो फ्लेम पे हम इसे बेक करेंगे। अब मैं इसका ढक्कन भी बंद कर देती हूँ। अब हमारे 15 मिनट भी हो चुके हैं तो मैं इसे ओपन कर लेती हूँ। अब देख सकते हैं हमारी कुकीज बढ़िया हुई है। इसी तरह मैं दूसरी प्लेट को भी बेक करने के लिए रख देती हूँ। जो हमने पहली तो हो निकाल ली है, अब मैं दूसरी रख देती हूँ। इसी तरह मैं सारी नान खटाई को रेडी कर लेती हूँ। अब है हमें रूम टेम्परेचर पर आ जाए उसके बाद हमें इसे निकालना रहेगा। तब तक हमें इसे टच नहीं करना है वरना ये टूट जाएगी। मैंने यहाँ पे बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर आने के बाद है इसे मैंने केक टिन से अलग किया है। आप देख सकते हैं। मैं यहाँ आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ कि हमारी कुकीज कितनी खास्ता है। देख सकते हैं आसानी से ये टूट जाती है। मैंने जो मेजरमेंट पे आपको ये नान खटाई सिखाई है, आप उसी मेजरमेंट पे नान खटाई आप बनाएंगे तो आपकी नान खटाई बाहर जैसी बढ़िया बनेगी और टेस्टी भी बनेगी। आपके घर पे कोई भी त्योहार हो या फेस्टिवल हो तो आप ये आसानी से आप ये नान खटाई घर पे बना सकते हैं। नान खटाई की रेसिपी को आप जरूर एक बार घर पे ये ट्राई करें और मुझे कमेंट करके भी कहे कि आपको ये हमारी नान खटाई कैसी लगी। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।